गोरखपुर में मंगलवार को 24 घंटे के अंदर केवल 33 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज के दौरान कोरोना संक्रमित एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला और एक 74 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 21,148 पहुंच गया है। इनमें 20,514 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 347 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 287 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की है। मंगलवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो 18 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट, कोतवाली और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 4-4 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा तिवारीपुर और शाहपुर थाना क्षेत्र में 3-3 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 13 नए मरीज मिले हैं। इनमें बड़हलगंज और कौड़ीराम में 1-1, ब्रह्मपुर और सजनवा में 2-2 और चरगावा में 7 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अन्य थाना क्षेत्रों में 2 मरीज मिले हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने करते हुए बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।